Subscribe to Pop Diaries and click on the bell icon for the latest update. Class is an award, it's a kind of sign that Bhushan ji wants to do film with me. It's a musical film. It gives you a sense of journey. It gives you a sense of, you know, that you are reaching somewhere. Bhushan ji, आपसे भी सवाल है. मैंने गाना भी सुना. सुपीर का गाना है इसमें. जी. तो किस तरीके से इस फिल्म की शुरुआत हुई, अगर आप थोड़ा शेयर करें. ये कॉन्सेप्ट मुझे डीनो ने सुनाया था. एंड बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे थे साथ में फिल्म करें. म्यूजिक मैंने इनके साथ किया था बहुत पहले कॉकटेल का. सो एजेंट विनोद कॉकटेल काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है. तो फिल्म करने की जब वो आई तो मैंने इनकी दो फिल्मों के कॉन्सेप्ट सुने. दैट वॉज हिंदी मीडियम में रब्ता. सो उसमें हिंदी मीडियम मुझे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लगा. जिसको मतलब सुनते ही मैंने एक लाइन सुनते ही मैंने बोला यार ये कॉन्सेप्ट तो हम ज़रूर करेंगे. बिकॉज अगेन आज जिस तरीके की रियलिटी बेस्ड फिल्में चल रही हैं जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है. और वो मुझे स्क्रिप्ट में बहुत दिखी. एंड बिकॉज ये भी म्यूजिकल है तो मुझे पहला ये डाउट मैंने किया ही नहीं कि इसमें म्यूजिक नहीं होगा. सो म्यूजिक भी था और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी. तो यहाँ से ये इसकी शुरुआत है. दिनेश आप खुद भी एक अब डायरेक्टर भी हो चुके हैं तो आपका कितना इनपुट रहा स्क्रिप्ट वाइज? या हमारा जो बेसिक पॉलिसी थे हम काफ़ी टाइम लगाते हैं स्क्रिप्ट पे. तो इसमें हमें 1.5 साल लगे स्क्रिप्ट बनने को. और उसके बाद हमारा प्रॉपर फिलोसफी आज साकिब हमारे साथ है नहीं. वो एक्चुअली चेन्नई में हमारे एडिटर के साथ है. सो इज टू बैक टू डायरेक्टर टू मेक हिज बेस्ट पॉसिबल. तो उसके बाद हम सबने ट्राई किया उसे सपोर्ट करने में कि अच्छी पिक्चर बने. और म्यूजिक में जैसे ओहो है इट्स गॉट अ टिपिकल पिक्चर दिल्ली की बेस्ड है. चांदनी चौक की पिक्चर है. तो वहाँ ये ट्रैक को अगर आप गांधी जाओ तो वहाँ का एंथम है. सो वी वर फॉर्चुनेट दैट यू नो इज़ आर पार्टनर. इनके साथ काम करने का एक एडवांटेज कुछ भी चाहिए तो दो दिन में हो जाता है. पर एल्बम इज वेरी नाइस. उसमें एक गाना है सूट सूट करना. बिकॉज एक्चुअली इनके कैरेक्टर की एक लहंगे की दुकान है. यू नो डुप्लीकेट लहंगे बेचते हैं. तो और उनकी जो रिलेशनशिप है उनकी वाइफ के साथ वो फ्रेज बड़ा अच्छा बैठता है. तेरे सूट करता. फिर एक बहुत अच्छा गाना है कॉल्ड भूल जो एक्चुअली हिमान सर का फेवरेट गाना है. और एक गाना है जो आपने एंड में सुना है जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एंथम बनेगी जो एक जिंदगी. सो बेसिकली एक जिंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और एक एक मैं पूरी करूँगा. सो आई फील इट्स अ वेरी वेरी गुड एल्बम. हाय इरफान, सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, ट्रेलर भी बहुत अच्छा है. देश में जिस तरह के हालात हैं मतलब ऐसा माना जाता है जो हिंदी पढ़ता है जो जिसे अंग्रेजी नहीं आती है उसे कमतर माना जाता है, उसे इंटेलेक्चुअल नहीं माना जाता, उसे इंटेलिजेंट भी नहीं माना जाता. उसके लिए काम करने के मौके जो हैं वो बहुत कम है क्योंकि सब कुछ अंग्रेजी से जोड़ दिया गया. तो ये जो हालात है देश को हिट करता है क्या? ये हमारी एक तरह से मेंटल स्टेट है. ये एक हमारे खून में बैठ गया है. मतलब हमारे साइकी में घुस गया है कि अगर हिंदी का कोई प्रोनंसिएशन गलत हो गया तो आदमी बेकार हो गया. और हमारी फिल्म में इस बात को एम्फसाइज किया गया है. एंड बहुत एंटरटेनिंग तरीके से इस सब्जेक्ट को हमने डील किया है. और ये हमारी साइकी है कि अगर अंग्रेजी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आदमी में कुछ गड़बड़ है, उसकी सोच में कुछ कमी है. तो ये हमारी मानसिकता है. और आई थिंक जितना हम अपने आप की कदर कर सकें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकें, ज़्यादा बेहतर होगा. अच्छा, एक सवाल और था कि ये आपको लगता ही है अनफॉर्चुनेट है कि वो नहीं आ सकती हैं हालात ऐसे. और उसके बारे में आप भी समझदार लोग हैं. आप खुद करो या करिए, आप बताइए आपको कैसा लगा. बनी थी उसकी शूटिंग लास्ट ईयर जून जुलाई में हुई थी. तभी तक हालात काफ़ी अच्छे थे. उसके बाद अनफॉर्चुनेट है बट वी हैव इरफान. सो ही विल बी द हीरो एंड द हीरोइन. Irfan, Justin here. Yeah. Irfan, is it really difficult to break the class divide within the industry? As you were saying that when you came here new, there were certain presumptions and assumptions about you because of the perhaps the language or the background. Is it really difficult to break that and move ahead? एक्चुअली थोड़ा शुरू में जब आदमी को ब्रेक नहीं मिला होता, जब काम ढूंढ रहा होता, तो हर चीज़ उसके लिए एक तरह से बड़ा चैलेंज हो जाती है.
तो ये भी एक डाउट आता ही है सबके दिमाग में, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी है तो वो एक, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आज भी इंडस्ट्री उसको उस तरह से रिएक्ट करती है। आई थिंक अगर आदमी के पास जो भी बड़े सुपरस्टार हुए हैं वो उनको लैंग्वेज पे कमांड थी इसकी हुए, आप दिलीप कुमार को देख लीजिए, आप राजेश टन्ना को देख लीजिए, और इन लोगों को लैंग्वेज पे कमांड था, हिंदी पे कमांड था, नॉट कि अंग्रेजी का। ये आजकल का माहौल है कि हीरो जितने हैं उनको अंग्रेजी ज़्यादा आती है, अंग्रेजी में ज़्यादा सोचते हैं, हिंदी में कम सोचते हैं। तो ये एक तरह का आई थिंक हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है और ऑडियंस को सपोर्ट करती है अगर आप लैंग्वेज के साथ प्ले कर सकें, और ये बहुत बड़ा यू नो आपका एक तरह से टूल है, हथियार है, अगर आपको हिंदी पे कमांड है तो पीपल लव यू। Also in the trailer we saw you were dancing to a song. Is there, Irfan, a regret that perhaps not many filmmakers have approached you for a role which requires a lot of dancing from you? I think ये मुझे पता होता कि दिनों मुझे डांस करवाने वाला है इसके अंदर तो मैं पैसे ज़्यादा मांगता, क्योंकि मेरा बहुत ही ये वीक पॉइंट है, एक शॉट है जो मुझे खेलना नहीं आता, यू नो, और मैं उसको इन्जॉय भी नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं करूँगा डांस, मैं करूँगा, लेकिन जो मेरे अंदर से उपजेगा तो मैं करूँगा। और मुझे नहीं लगता कि पब्लिक मेरा डांस देखने के लिए कुछ आतुर बैठी हुई है, मैं मेरे पास और भी चीज़ें हैं देने के लिए, और चीज़ें हैं एंगेज करने के लिए लोगों को, तो मैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता हूँ। और मुझे कोई इस बात में दुख नहीं है, ना ही मुझे इस बात की कोई शर्म है कि मुझे डांस नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता जी, नहीं मज़ा आता, जब आता है मज़ा तब आता है, तो लेकिन वो मैं एक्शन कट भी नहीं कर सकता। हाँ, वो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था तो वो अंदर से आपको हुआ था तो मैंने कर दिया। बट ऐसा अगर चैलेंज आएगा कि यार एक्टिंग आप एक्टिंग जो है आपको नहीं मौके नहीं मिलेगी अगर आपको डांस नहीं आया तो मैं वो भी सीख लूंगा। इरफान कमलिया, इरफान जैसे कि आपने कहा कि राजेश खन्ना का नाम लिया, विनोद खन्ना भी अभी हाल ही में एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत भी खराब है, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में कि जिस तरह से पुराने एक्टर्स को लाइमलाइट उतनी मिलती नहीं है अभी जो पुराने एक्टर्स हो गए हैं, जैसे दिलीप साहब अभी बीमार चलते थे और अभी विनोद खन्ना जी हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? यार मेरी कामना है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो जितनी जल्दी हो सके ठीक हो। हमें हमारी कुछ ज़रूरत पड़ी, हमें अपना अंग देना पड़ा तो हम वो भी देंगे उनके लिए। मेरे लिए विनोद खन्ना बहुत मायने रखते हैं, मैं हिंदी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत इंसान मैं उनको मानता हूँ। दो लोग बहुत खूबसूरत हैंडसम लोग थे, एक धर्मपादी अपने और एक विनोद खन्ना, जो मतलब बहुत ही खूबसूरत इंसान। और मैंने आज पहली बार उनका फोटो देखा और मुझे बहुत धक्का लगा, और मेरी कामना है भगवान से कि यार किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके वो उनको वापस हेल्थ उनकी वापस मिले और उनको अच्छा दिख सके। सारी फिल्में देखता था उनकी, सब फिल्में देखता था। मुझे आज तक याद है खून पसीने में उन्होंने कुछ किया था, इस तरह कांखे लाल करके और उनकी आंखें चढ़ी रहती थी, मेरा गांव मेरा देश, और सब फिल्में बहुत अच्छी थी। मोस्ट हैंडसम है, ब्यूटीफुल। Education has become like a business now, because we see in the trailer like 5-star ek zikr karte hain. So in our country, do you feel it become like a business now? Ye film mein aapko zyada aap dekhenge to aapko samajh mein aayega ki it is a business now, aur education jo hai wo honi chahiye mere hisab se, insaan ki capabilities, uske andar ke jo gun hain usko उसको फ्लरिश करने के लिए होनी चाहिए, पर्सनैलिटी को ओपन अप करने के लिए होना चाहिए, उसको इवॉल्व होने के लिए होना चाहिए। बट हमारी एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर एक सिस्टम में किसी तरह से कि आदमी काम आने के लिए होती है। आपकी एजुकेशन जो है वो लोगों को किसी के लिए किसी कॉरपोरेट में जाके फिट हो सके, उसके काम आ सके, उसके लिए है एजुकेशन। एजुकेशन के सही मायने मेरे लिए इंसान का इवॉल्व होना है, उसके अंदर जितने गुण हैं उसका फ्लरिश होना। इरफान, आपको जब स्क्रिप्ट मिली थी तो ये हिंदी में मिली थी या इंग्लिश में मिली थी? हिंदी में ही मिली थी भाई साहब, और मेरा इसमें बहुत बड़ा करने का एक बड़ा रीज़न जो है वो दिनों है। मुझे पता था कि जिस तरह से पोजीशन करते हैं फिर को, जिस तरह से ये उसको संवारते हैं, जिस तरह से लेके आते हैं, उस पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। और मेरा बहुत बड़ा रीज़न एक रीज़न ये था, एक वजह ये थी कि मैं
बहुत दिनों से सोच रहा था, कई सालों से सोच रहा था कि यार हम फिल्में बनाते हैं बच्चों की, ऐसी फिल्में नहीं बनाते कि जहाँ परिवार आके देख सके, जहाँ फैमिली आए, बच्चे भी आए और दोनों इन्जॉय कर सके। हॉलीवुड बहुत अच्छी तरह से करता है, हम लोग नहीं कर पाते। तो ये इस फिल्म में बहुत पॉसिबिलिटी थी कि बच्चे देखें और पेरेंट्स भी साथ में आए और दोनों को मजा आए। एंड आपको कभी तकलीफ हुई अपने बच्चों के एडमिशन के लिए असल जिंदगी में? कभी मैंने उस तरह का स्कूल चुना ही नहीं भाई साहब, मैंने बिल्कुल वो कन्वेंशनल स्कूल चुना ही नहीं। मैं हमेशा कुछ फिल्में चूज करने की कोशिश करता हूँ जहाँ के एंटरटेनमेंट हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और ख्याल रह जाए आपके जहन में देखने के बाद। मतलब ऐसा ना हो कि आपने फिल्म देखी 3 घंटा और उसके बाद उबासी लेते हैं बाहर आ गए और भूल गए। मैं चाहता हूँ मेरी फिल्में थोड़ी आपको एंटरटेन करें और बाद में आपको रेजोनेट करें, आपके मन में ख्याल रह जाए उस फिल्म का। तो ये उसी तरह से डील की गई है, ये कोई बहुत गंभीर तरीके से इसको हमने गंभीर बनाने की कोशिश नहीं की। हमें पता है कि लोग पैसा दे के आते हैं, उनको मनोरंजन चाहिए होता है, तो उसको मनोरंजन तरीके से उस सब्जेक्ट को हमने ठीक तरह से डील किया है। और दूसरी बात ये कि फिल्में समाज नहीं बदलती, समाज बदलने में एक उसका हिस्सा होता है बहुत छोटा सा, कि लोगों का एक मानसिकता वो तैयार करती है बस। तो उससे एक्सपेक्ट करना कि फिल्म जो है समाज बदल देगी, ये ठीक है। फिल्म का जितना योगदान है उतना ही होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि फिल्म रेवोल्यूशन ले आएगी, एक लोगों पे मानसिकता तैयार करती है बस। Ifan, we know about your acting skills very well, but were you as good a student in school as your daughter on screen? मैं स्कूल में जो है मेरे जो मेरे क्लासमेट्स थे वो भी नहीं जानते थे कि मैं स्कूल में एग्जिस्ट करता हूँ। मैं मैं बहुत ही गायब इंसान था, मतलब कोई किसी को पता ही नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मेरे टीचर्स मुझसे नाम पूछती थी तो मैं खड़ा होकर जब अपना नाम बोलता था तो उसको सुनाई नहीं देता था मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अक्सर मुझे इस बात पर डांट खानी पड़ती थी कि भाई जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, से योर नेम। सो आई वाज सो शाय। और मुझे याद है बचपन के दिन मुझे ये लगता था कि कब मैं बड़ा होऊंगा और कब मेरा इस जंजाल से पीछा छूटेगा। वो उसकी वजह ये थी कि हम जब जाते थे स्कूल तो हमें 6 बजे हम सुबह निकलते थे बस आने के लिए, और सेकेंड ट्रिप हमारा बस में वापस आने का होता था। तो 3 बजे हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई तो 4:30 बजे तक हम स्कूल में वेट करते। उसके बाद बस हमें जब तक घर में लेकर आती 6:30 बज चुके होते, दिन जा चुका होता था, पतंगें उड़ना बंद हो चुकी होती थी। मेरे छोटा भाई मुझे किससे सुनाता था कि ये पतंग आई थी आज, आज की लंबी पतंग पकड़ी, और मैं बस वेट करता था कभी खत्म होगा जंजाल और मैं पतंग उड़ा पाऊंगा और मैं घूम पाऊंगा। हेलो, हाय, इरफान जी, एक क्वेश्चन और है। आप एक बेमिसाल एक्टर हैं ही और उसके साथ में आप मदारी के थ्रू प्रोड्यूसर भी बन गए, तो एक्टर बनने की कोई ख्वाहिश है? डायरेक्टर, सॉरी, आपके सामने कोई भी एक्टर बनने की मेरी बहुत ख्वाहिश है। मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ एक्टर बनने का, और मेरी कोशिश किसी न किसी दिन कामयाब होगी और आप जरूर बोलेंगे एक दिन कि मैं एक्टर बन चुका हूँ। नहीं, बट डायरेक्टर आपने ऐसा कुछ सोचा है? कोई ख्वाहिश नहीं है डायरेक्टर बनने की। कभी कोई स्टोरी आई जो मुझे इतनी कंपेल की कि यार मैं सुनाना चाहता हूँ तो एक आध स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। मुझे पता है डायरेक्टर का स्पेशलिटी होती है वो मल्टी ट्रैक सोच सकता है, कई डिपार्टमेंट का। हम लोग सिंगल ट्रैक वाले लोग, हम तो एक जगह ध्यान है बस वहीं ध्यान रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता और बनना भी नहीं चाहिए मुझे। मेरा बचपन से जो एक्टिंग की तरफ मेरा रुझान किसकी हुआ, मुझे लोगों का बिहेवियर पसंद आता था, ट्रैक करता था, मुझे इंट्रीक करता था और मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और मुझे याद है कि बचपन में मुझे जब मैं फिल्में देखता था लोगों का हाव भाव ही मेरे जहन में रहते थे, स्टोरी क्या है मुझे पता नहीं। ये तो जब एक्टर बनने के बाद अब मैं समझ रहा हूँ कि स्टोरी क्या है।